हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सतिज गद्य खंड कक्षा 9 पाठ 2 लहासा की ओर, जो कि राहुल सामकृतयायन द्वारा रचित है। सार शुरू करने से पहले जानते हैं इस पाठ से संबंधित मुख्य बातों को। लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत में लेखक ने तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम मार्गों का वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल सामकृतयायन का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी दी। इसके साथ साथ विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत की। प्रस्तुत अध्याय राहुल सामकृतयायन की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया अंश है। प्रथम तिब्बत यात्रा उन्होंने 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, अतः उन्होंने अपनी यात्रा के लिए एक भिकमंगे का रूप धारण किया और पूरी संजीदगी से मार्ग के अनुभवों को अपनी लेखनी में उतारा, जो हमें तिब्बती समाज के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाठ के सार को। नेपाल में तिब्बत जाने का पुराना रास्ता व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। वहां जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने थे। इनमें कभी चीनी सेना रहती थी। अधिकतर मकान गिर चुके थे या उनमें किसानों ने डेरा जमा लिया था। वहां जाति या छुआछूत नहीं थी। किसी को भी सामान देकर चाय बनवा सकते थे। लेखक के साथ एक मंगोल भिक्षु सुमति था। चाय पीने के बाद वे आगे बढ़े और थोडला गांव के पहले के आखिरी गांव में पहुंचे। वहां सुमति की जान पहचान के अनेक लोग मिले। लेखक को अब तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान डांडे पार करना था। यहां दूर दूर तक मार्ग के दोनों ओर कोई गांव नहीं था। यह डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। वे पहले मनुष्य को मारते हैं, फिर उसकी और सामान की तलाशी लेते हैं। हथियार संबंधी कोई कानून न होने के कारण लोग लाठी की तरह पिस्तौल लेकर घूमते हैं। पहाड़ की चढ़ाई अधिक थी, अतः उन्होंने 2 घोड़े ले लिए। डांडे के सबसे ऊंचे स्थान पर वहां के देवता का स्थान है, जो पत्थरों के ढेरों, जानवरों की सींगों तथा रंग बिरंगे कपड़ों की झालरों से सजाया हुआ है। लेखक रास्ते में अन्य घुड़सवारों से पीछे रह गया और मार्ग भटक गया। पता चलने पर वापस लौटा तथा सही रास्ता पकड़ सुमति से मिला। अंततः लेखक तिड्री के विशाल मैदान में पहुंच गया। यह मैदान पहाड़ों से घिरा टापू लगता था। वहां ही तिड्री समाधि गिरी नामक छोटी सी पहाड़ी थी। वहां सुमति के बहुत से यजमान थे, जिन्हें वह बोधगया से लाए गए कपड़े से बने गंडे बांटता करता था। सुमति का यजमान शेखर की खेती का मुखिया भिक्षु एक अच्छा व्यक्ति था। वहां उन्हें एक मंदिर में ठहराया गया। इस मंदिर में कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई हैं। सुमति अपनी यजमानों से मिलने चला गया और लेखक उन पुस्तकों में रम गया। सुमति के वापस आने पर वे फिर अपने मार्ग पर चल दिए। इस पाठ से संबंधित व्याख्या को हमने हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप उसे हमारे वीडियो की लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।
आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।